में बढ़ रखे हैं, उनका काम होता है सफाई। ये देखें, ये थोड़ी सेटिंग चेंज की है। इधर आज हम साफ फूड में डालते हैं गाजर, पुदीना, मेथी, पालक। ये इधर करके रख देते हैं, साथ धूप भी है। ये चेक करें माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये चेक करें जी, पहला अंडा आ गया डब का माशाल्लाह। यार ये हमने तकरीबन एक हफ्ता पहले इनको टोकरी रख दिया सारी हैं। ये बच्चों को भी डाल दें हैं और ये चेक करें, ये एक नेचुरली जो है ना ट्रीट है जो इनको। ये देख लें सब के केजों में डाल दी है, ये सारे खा रहे थे, अभी हम आए हैं ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली मरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों हर बार की तरह एक नई वीडियो, और कहने के डे बाय डे शेड पे आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। जिन्होंने बर्ड नहीं रखे वो भाई साहब मुख्तलिफ ऐसे हिस्टोरिकल मकामात या सैर व तफरी के लिए निकल जाते हैं, तो जिन्होंने बर्ड रखे हैं उनका काम होता है सफाई। ये देखें, ये थोड़ी सेटिंग चेंज की है, यानी कि छुट्टी वाले दिन हमने अपने दिमाग में कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाई होती है कि यार छुट्टी है तो इस दिन हमने ये काम जो है ना इधर से निपटाने हैं। इधर जो केजीज पड़े थे वो भाई साहब उधर सैंपल करके टावर खड़ा कर दिया, उधर जो लकड़ी का पड़ा था वो इधर रख दिया, ये लकड़ी के 20 खाने एक साइड पे हो गए हैं, उसके बाद इधर से भी उठा दिए हैं। इधर गमले वगैरह इंडोर ला के रखते हैं, खूबसूरत निज़ाम बनेगा। और इसके अलावा जो इधर गोल्डियन की आर्मी हम तैयार कर रहे थे इस केज के साथ, वो हमने उठा के रखी हैं बाहर। बाहर रखने का मकसद ये है कि जो दिन टाइम हमारे पास कह लें कि सनलाइट आएगी तो इनको सनलाइट लगेगी, धूप लगेगी। जिस बर्ड को धूप लगती है वो कह लें कि सेहतमंद, एक्टिव, चुस्त हो जाता है। और इनको नहाने के लिए पानी देंगे ताकि ठंड भी ना लगे और जल्दी मोल्ट भी क्लियर करे। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि मैंने कुछ लवबर्ड के बच्चे लैदा किए हैं, तो वो दिखाने से पहले ये देखें। हाँ जी, ये छोटे उस्ताद साहब सारा जुंद बदस्तर। इधर आज हम साफ फूड में डाल दें हैं गाजर, पुदीना, मेथी, पालक। ये सारा कुछ मिक्स करके बेहतरीन जो है ना रेसिपी तैयार करके पूरे शेड में तमाम बर्ड को डालेंगे। अच्छे तरीके से इनको जो है ना मिक्स कर लेते हैं, लव बर्ड भी खाए, सारे बर्ड जो है ना इंजॉय करेंगे। तो ये अभी मिक्स करते हैं छोटे उस्ताद साहब, उसके बाद आप देखें इधर आ जाएंगे। ये देखें लव बर्ड के जो पट्टे पिछली वीडियो में भी दिखाया था, यार दो दिन इनको धूप लगाई है, हाय हाय, इनका जो है ना ऐसे बेहतरीन जो है ना परफॉर्मेंस हो गई है, जो वीकनेस थी सारी क्लियर हो गई। दो दो घंटे धूप लगवा रहा हूँ। उसके बाद ये देखें, ये वो बच्ची हैं जो नियर टू सेल्फ हैं, तो इनको मैंने डब्बों में से दो दो तीन तीन उठा लिए हैं, सारे बच्चे नहीं उठाए, तो इनको वापस फिर शाम को रख देंगे। तो माशाल्लाह कह लेंगे डब्बों में से बाहर आ जा रहे थे तो नीचे धूप नहीं आती, इस वजह से सारे बच्चे ऊपर ला के मैंने रख दिए हैं कि यार इधर धूप लगे इनको और ये बेहतरीन जो है ना से धूप से जो है ना मुस्तफीद हो सकें। तो इधर करके रख देते हैं, साथ धूप भी है। ये चेक करें माशाल्लाह, अभी बेहतरीन जो है ना सब जो है ना धूप में ऐसे पर फैला के बैठते हैं। इसमें डिल्यूट हैं, ओपलाइंस हैं, जो स्प्लिट पेल फैलो हैं, पेल फैलो के हैं, बहुत सा माल पड़ा है। ये एल्बिनो रेड आइज हैं। तो ये देखें जी, पूरे शेड का चारा तैयार हो गया। मेथी, गाजर, चिकंदर नहीं था मिला, नहीं तो चिकंदर भी ऐड करना था। अब ये थोड़ा थोड़ा नीचे लबड़ को भी डालना सबको, और ऊपर फिंच वाले खाने में भी थोड़ी थोड़ी मिकदार लबड़ को ज़्यादा डाल देना, दो दिन चलता रहे। जिनके बच्चे निकले उस हिसाब से अब छोटा उस्ताद साहब जो है ना नीचे डाल के आते हैं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी उसके मुताबिक ये देख लें, ये केज है, ये 100 के करीब बच्चा मैंने होल्ड किया गोल्डियन का। अब कल से इनको नहाने के लिए इधर पानी भी देंगे, क्योंकि जो धूप सुबह सुबह निकलती है ना सीधी इसके ऊपर पड़ेगी, बेहतरीन जो है ना ये लश हो जाएंगे, टेंशन भी नहीं। उसके बाद ये भी सारी जो है ना मोल्ड पे है, कल से मैंने इनको भी जो है ना नहाने के लिए पानी देना है, और पानी देंगे ताकि ये भी अपना मोल्ड, जो बर्ड नहाता है या नहा के अपना आप संवारता है ना, वो जल्दी अपना मोल्ड क्लियर करता है। इस वजह से कल को इनको भी कनाली में पानी देंगे ताकि ये भी नहाए। नेस्टिंग फिलहाल मैं उठाने लगा हूँ आज, क्योंकि इन्होंने नेस्टिंग नहीं उठाई, इसका मतलब ये है कि अभी ये ब्रीडिंग मोड में नहीं, तो अभी सब्र का मुजाहिदा करना पड़ेगा। इसी तरह अंदर पूरा जो है ना माहौल एक बार चेंज कर दिया, सारी स्ट्रेटजी जो हमने बनाई थी वो थोड़ी सी तरतीब जो है ना, ये देखें ये इधर ब्यूटीफुल सेटअप लग गया, एक तरतीब से इधर आ गया, ये इधर गोल्डियन का सारा लग गया, उधर कुछ पट्ठे जो यानी कि पिछले टाइम धूप आती है ना वो खिड़कियों से इधर आती है, उधर रख देंगे कुछ गोल्डियन के पट्ठे,
ये ऑलरेडी ये सारे मामला इधर हैं। तो चलें चलते हैं अब मज़ीद नीचे, नीचे क्या मामला चल रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब देख सकते हैं ये डब को भी डाली जा रही है, पालक वगैरह ये वो जितना यानी कि चॉप करके हमने, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये चेक करें जी पहला आंडा आ गया डब का भी, सरप्राइज ही दिया है डब ने भी भाई जान। हाँ तुम ही लाया माशाल्लाह, इसके नीचे भी अंडा आ गया, ये तो थुरे पेस हैं कि किलो सानू टोकनियाँ लगन उसना बाद और माशाल्लाह यार, ये हमने तकरीबन एक हफ्ता पहले इनको टोकनियाँ दी हैं तो पैर बोंड ही थे, दस्ती जो है ना शटम पटम हो गई, ये अभी कर रहे हैं, इन सबको डाल दिया, इन्हें कनालियाँ जो है ना सेंटर में करके भर के रख दो सारियाँ, ये बच्चों को भी डाल रहे हैं ताकि वो भी जो है ना बेहतरीन इस जो है ना पार्टी से इंजॉय करें। जितनी अच्छी डाइट देंगे बेसिकली जो है ना, अब इनको सब्जियों की तरफ इसलिए ला रहा हूँ कि इनमें नेचुरली तौर पे जो है ना विटामिन और जो कैलरीज इसमें हैं वो इनसे जो है ना हम ऑर्गेनिकली जो है ना इनको दें, ना कि हम विटामिन जो पाउडर या सिंथेटिक चीज़ें होती हैं वो डाल के दें। तो इसमें थोड़ी सी यानी कह लें कि स्लो प्रोसेस होता है बट ये है कि काम ज़रूर कर जाता है। छोटा स्टार जावा दी कलोनी भी सुटो, मैं कहता हूँ पहले अंदर डालूं, बाकी सारी इतने, चलो ठीक है। ये अब नीचे लबड़ को भी डाला है, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में लबड़ का क्या सीन पार्ट है। तो अभी ये जेब्रा फिंच जो एग्जीबिशन है इनको भी डालनी है, उधर भी डालनी है, उसके बाद जो ऊपर गंद मचा हुआ है, इतवार का दिन बिजी गुजरा है, वो सारी सेटिंग सफाई करके ऐसे लश कर देते हैं ताकि कोई आए तो कहे यार अच्छा सेटअप है। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, ठीक चलते हैं भाई साहब नीचे। तो नीचे माशाल्लाह ये तो नीचे वाला माहौल तो आपको पता ही है। अच्छा माशाल्लाह सारे खा रहे हैं यार, बेहतरीन हो गया, छोटा सा सबको डाल के गया है ना तो सारे जो है ना मुँह मार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये दे आज तो भर गए जो है ना इन सबको, ये देखें एग्जीबिशन दिखा रहा है, ये चेक करें, ये एक नेचुरली जो है ना ट्रीट है जो इनको दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद इन बच्चों के पोटों में हमें ये देखने को मिलेगी, पता नहीं इसने अभी अभी तो डाली है, खैर फीड तो नहीं ना करवाई होगी, ये चेक करें माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त ये चीज़ हुई ना, इसका डंबा साफ करने वाला फंगस बहुत ज़्यादा अंदर हो गई है। ये देखें क्रीमिनों का बच्चा बाहर आया, तेरी बड़े ओना का काम करी कि जिन्ना कभी सामभ भी सकिए, मसा मसा जो तू निकले हैं तो कितने और ना लगा जाए। ये इनको भी सबको डाल दिए, ये देख लें सब के केजों में डाल दी है, ये सारे खा रहे थे, अभी हम आए हैं ना तो इन्होंने जो है ना पीछे हो गए हैं, ये सारे पार्टी इंजॉय कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज जो एक्टिविटी शेड पे थी आपके साथ प्रॉपर शेयर की, क्या किया हमने क्या नहीं किया या क्या चेंजेस ही जो है ना हम कर रहे हैं शेड पे, क्योंकि आपको साथ लेके चलना एक मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे चैनल पे ऐड हुए हैं, कुछ सोच समझ के ही हुए हैं कि कुछ नया सीखने को मिलता है या कोई जो हम शेड पे अप्लाई कर रहे होते हैं जाहिर सी बात है उसके पीछे एक स्टडी होती है फिर ही हम अपने बर्ड को अप्लाई करवाते हैं। तो इसी तरह के मज़े मज़े की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आई है। तो ज़्यादा देर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।